इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। वहीं पूरे विवाद में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना के दौरान सभी एक खाली मैदान में शराब पी रहे थे। इसी दौरान पुरानी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। इसके बाद एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाँ, एक बमोरी रामनगर मैदान में एक झगड़ा हुआ था। झगड़े में आपस में जो लड़ाई हुई, उसमें दो तीन लोग घायल हुए हैं और अभी इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आकाश नाम के व्यक्ति को ज़्यादा लगी, उसको वेंटिलेटर पर रखा था। अभी उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। एक आदमी को राउंड अप कर लिया है उसमें से, अब अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। हाँ, अभी कुछ सूचना आएगी, अभी क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, इसलिए अभी थाने पे क्लियर करके बताता हूँ आपको। वहीं मृतक के भाई अनिल ने बताया कि आरोपी और आकाश सांखले और इलाके में रहने वाले कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आकाश शहर में गैस की गाड़ी चलाने का काम करता था। आरोपी मृतक के परिचित है। इनने मेरा भाई को घेर के मारा है। क्या नाम है तुम्हारा भाई का? मेरा भाई का नाम है आकाश साखले। कैसे हुआ था विवाद? विवाद इनके कुछ दिन में हुए थे कुछ विवाद। हाँ, तो मेरा भाई को इन्होंने समझौते के लिए बुलाया। हाँ, और इन्होंने मेरा भाई को घेर के मारा। कहाँ पर हुई थी घटना? ये घटना हुई थी भमोरी में, कृष्णा रोड के पीछे वो मैदान में। फिलहाल पुलिस सबूतों और बयानों के आधार पर मामले की जाँच में जुटी हुई है। इंदौर से क्राइम भाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।